जानकी नवमी के अबूझ सावे पर लॉकडाउन के चलते हजारों शादियां निरस्त हो गई। पहले से तैयारियां कर रहे लोगों के घर शहनाई नहीं बज सकी, लेकिन बिना किसी दिखावे के समाज को जागरूक करने का संदेश देने वालों ने लॉकडाउन की पालना करते हुए विवाह भी किए। जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद शनिवार को पानीपीच बस्सी सीतारामपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक विवाह हुआ। बिना घोड़ी बैंड बाजे बारात दोपहर को सीकर रोड स्थित हरमाड़ा से ब्लड डोनर रामभजन बिना घोड़ी व बैंड बाजे के साथ सात बारातियों के साथ पानीपीच दुल्हन करिश्मा के घर पहुंचे। यहां पर बाबा रामदेव मंदिर में दोनों ने पहले मंदिर की चौखट पर खड़े होकर वरमाला पहनाई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। पहना मास्क, किया सैनिटाइज। फेरों में पंडित के अलावा सिर्फ लड़की के माता पिता और एक भाई ही बैठा रहा। दुल्हन और दूल्हे ने पूरी शादी में मास्क पहने रखा। फेरों के दौरान भी मास्क पहनकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना की, साथ ही स्वयं और अन्य को सुरक्षित रहने का संदेश दिया। लड़के के भाई जय प्रकाश बुनकर ने बताया कि दूल्हे के आने से पहले और बाद में कई बार आसपास के घरों और मंदिर में सैनिटाइज कराया गया। गाइडलाइन जारी करे सरकार। राम भजन स्वयं रेगुलर ब्लड डोनर है। दूल्हे ने कहा कि इस शादी के जरिए हम समाज में महंगी और कर्ज लेकर शादी करने के प्रति खिलाफ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार भी कम लोगों की उपस्थिति में शादी और अन्य आयोजन करने के लिए गाइडलाइन जारी करे। इससे खर्च भी बचेगा, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव भी होगा। देखो, इसके कई बड़े कारण हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी जो है, कोरोना वायरस जो है, पूरे विश्व में चल रहा है और आप और हम इससे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि हमें इसकी जानकारी ना हो। तो मुझे लगा कि जब परिवार के साथ की 2 मई की शादी है और धीरे धीरे वो तारीख भी नज़दीक आ रही है और लॉकडाउन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कई जगह जब देखा गया, इसका उदाहरण देखा गया कि शादियां अगर आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं और सरकार के जो लॉकडाउन है उसका पालन करके इसके शादी को संपन्न किया जा सकता है, तो इस संभावना को देखते हुए मैंने पूरे परिवार को समझाइश करी और सबको समझाया कि हमें आगामी जो भविष्य की योजनाएं हैं, आगामी जो भविष्य के जो संस्कार हैं या आगामी जो चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है या सफाई का ध्यान रखना है, वो चीज़ करते हुए अपने समाज को, देश को एक नया संदेश देने की उम्मीद के साथ ये फैसला लिया। फिर जैसे ही पता, पूरे परिवार से बातचीत करी तो हरमाड़ा के निवासी है तो हरमाड़ा से बारात पानी पे जाई। जो दूल्हा है वो एक रक्तदाता है, रक्तवीर है, पौधारोपण का कार्य करता है तो सामाजिक कार्य से वो भी जुड़ा हुआ है। जो दुल्हन है वो पानीपेच से है, तो इस फैसले को दोनों ही परिवारों ने सकुशल अपनाया और आज लगभग समाज में एक खुशी की लहर है और एक जागरूकता भी है और सोशल डिस्टेंस के साथ ये विवाह संपन्न हो रहा है।